ये जो देख सकते हो किक सापट है, इसका जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग में लाएंगे। किक सापट तो गाय में से निकाल लिए, तो निकालने के बाद जो नया होता है वो नया लाया। अब इसको निकालते हैं। यहाँ पे जो देख सकते हो ये लॉक दिया हुआ है, इस लॉक को निकालेंगे। निकालने के बाद सापट को निकाल लेंगे, जो गरारी है गरारी को निकालेंगे, और नया वाला जो सापट होता है उसका जो टाइमिंग होगा वो टाइमिंग बताएंगे। तो चलिए इसको भी निकालते हैं और नया वाला लगाएंगे इसमें। नया वाला सापट देख रहा हूँ, यहाँ पे इसका टाइमिंग दिया हुआ है, एक यहाँ पे। तो हमें जो गरारी लगाना, गरारी में भी टाइमिंग होता है। यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे जो बिंदु जैसा दिया हुआ है इसका टाइमिंग होता है। तो इसको इसी तरीके से लगाना है कि ये, यानी कि ये गरारी और इसका जो टाइमिंग होता है वो दोनों बराबर होना चाहिए। कुछ इस तरीके से हमें लगाना है। तो सबसे पहले जो लगाना है, पहले हमें इसका जो बड़ा वाला गरारी होता है वो गरारी को लगा देंगे। ये कुछ इस तरीके से जाएगा, तो ये जो है फ्री रहना चाहिए, ये फ्री रहेगा। उसके बाद जो बड़ा वाला वासट होता है, उस वासट को लॉक जो होता है, लॉक को हम लगाएंगे इसमें। तो गाइस, जो ये गरारी होता है, गरारी का जो हमें टाइमिंग मिलाना है, यहाँ पे जो किक सापट दुआ है, यहाँ पे ये टाइमिंग दुआ है। तो इस टाइमिंग को हमें कुछ इस तरीके से मिलाना है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो बिंदु जैसा दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसके ये सामने होना चाहिए। ये जो होता है ये इसके सामने होगा। तो इसको हमें बराबर लगाना, यानी कि ये बिंदु और ये बिंदु, ये तीनों मतलब एक समान होना चाहिए। तो हमें कुछ इस तरीके से इसको लगाना है, आराम से लगा देंगे। ये देख सकते हो, ये जो दोनों जो मतलब इसमें दिया हुआ है टाइमिंग, इसका बराबर होगा। तो इसको हम लगा देंगे आराम से। इसको ये लग गया, उसके बाद जो स्प्रिंग होता है, इस स्प्रिंग को इसमें लगा देंगे। लगाने के बाद ऊपर से इसका जो कवर होता है वो कवर लगाएंगे और लॉक लगा देंगे इसमें। गाइस, जो किक सापट होता है वो किक सापट का जो गरारी होता है वो हमने गरारी में लगा दिया, और जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग में मिला दिया। तो सापट जो चलेगा कुछ इस तरीके से चलेगा, ये आवाज़ आएगा यहाँ पे किट किट का। ये देखते तो ये कुछ इस तरीके से इसका टाइमिंग मिलेगा।